إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بذلاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق رسولنا النبي الكريم. درود هديا كيجي محمد وآل محمد. أعزائي المحترم، عزاداران سيد الشهداء، سلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المحترم، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ گفتگو اور عنوان گفتگو معرفت امام حسین از زیارت امام حسین، اس حوالے سے گزشتہ دو گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کیے کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ زیارت امام حسین ایک ایسا خیر ہے کہ جس کے اندر خدا نے تمام اچھائیوں اور خیرات کو سمیٹ دیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خدا کی بندگی کرنا چاہے تو ضروری ہے خدا کو پہچانے، اور اگر کوئی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اسے حسین کی معرفت سے آغاز کرنا پڑے گا. سرنامہ کلام رسول گرامی کی حدیث شریف کہ جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے مؤمن کے دل میں چھپی ہوئی معرفت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آقا حسین سے منسوب ان ایام میں
हम उसी पोशीदा मारिफत को दरियाफ्त करने, उसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ फर्शे अज़ा पे हाजिर हो रहे हैं। बात कल की गुफ्तगू में यहाँ तक पहुँची थी कि आइम्मा ने इस खैर की कि जो ज़ियारत हुसैन में है बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है, यहाँ तक के रावी को ये तक कह दिया, कल रिवायत पेश की थी इंशाअल्लाह कि आपके अजान आलिया में महफूज होगी, कि रावी को इमाम ने ये तक फरमा दिया कि रोज़ाना एक मरतबा, ये रावी वो नहीं है कि जो करबला के शहर में रहने वाला हो, नहीं, बाहर का रावी है, दूर रहता है, मुसाफत है इसके घर और इमाम के रोज़े के दरमियान। क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया, रोज़ाना एक मरतबा और रोज़े जुम्मा पाँच मरतबा आका हुसैन की ज़ियारत करो। रावी ने सवाल किया, मौला मेरा घर बहुत दूर है, मैं नहीं कर सकता, क्या करूं? मौला ने हल दिया, क्या हल दिया, किसी बुलंद मकाम, खुले आसमान, घर की छत, किसी बुलंद जगह पर जाओ, दाएं और बाएं देखो, आसमान का रुख करो, सैयदुश्शहदा के रोज़े की जानिब अपनी तवज्जो करो और दो जुमले कहो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, खुदा तुम्हें वही सवाब देगा कि जो ज़रीए अक़दस के सामने खड़े होकर सलाम करने वाले को अता करता है। कल बात यहां तक पहुंची थी, वादा किया था कि इस हदीस में क्या ऐसा राज है, ज़ियारत हुसैन को क्यों ऐसा इख्तिसास और रुतबा हासिल है कि जो हमें बाकी किसी और इमाम की ज़ियारत में नजर नहीं आता, किसी इमाम की दूर से की गई ज़ियारत को कब्र पर की गई ज़ियारत के बराबर नहीं करार दिया गया, वैसा ही सवाब नहीं बताया गया, ज़ियारत आका हुसैन और ज़ात हुसैन में क्या ऐसी खसूसियत है। आज इब्तिदा ही में इस सवाल का जवाब रिवायत आले मोहम्मद की रोशनी में, छठे इमाम के कलाम की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह के तवज्जोहात मेरे साथ हैं। इस राज पर से आज पर्दा उठाने जा रहा हूँ। छठे इमाम फरमाते, तवील रिवायत है किताब कामिलुज़्ज़ियारात हदीस की मोतबर तरीन कुतुब में से एक किताब, रावी मौला की बारगाह में है, मौला उसे मुखातिब करके फरमाते हैं, लम्मा वुलिदल हुसैन अलैहिस्सलाम, जब रूए ज़मीन पर आका हुसैन की विलादत हुई, बअसल्लाहु जबराइल मा अल्फ मिनल मलाइकते, अल्लाह ने अर्श से 1000 फरिश्तों के साथ जबराइल को ज़मीन की जानिब भेजा, क्यों भेजा, लिकै युहन्निअहू अनिल्लाहि व अन नफ्सिह, ताकि जबराइल जाकर रसूल को अल्लाह की जानिब से और अपनी जानिब से उस नवासे की विलादत की मुबारकबाद पेश करें। रिवायत कहती है, फमर्रा मिन जज़ीरतिन, जबराइल रूए ज़मीन पर एक जज़ीरे पे से गुजरे, उस जज़ीरे में क्या था, फरमाते हैं, कान यस्कुनु फीहा मलकुन इस्मुहु फुतुरस, उस जज़ीरे पर अल्लाह का एक फरिश्ता रहता था कि जिसका नाम फुतुरस था, जिसे हम आम तौर पर फितरस से ताबीर करते हैं। ये कौन फरिश्ता है, कोई आम फरिश्ता है, फरमाते हैं, कान मिन हमलतिल अर्श, ये मामूली फरिश्ता नहीं था, इसकी ड्यूटी बहुत अहम जगह थी, ये अर्श खुदा के हामिलीन और अर्श खुदा को उठाने वाले फरिश्तों में से था। क्या हुआ, फबुइसा इला शैइन या इला अम्रिन, खुदा ने इसे किसी काम का हुक्म दिया। फरिश्ते मासूम होते हैं, कुरान की आयत कहती है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, खुदा के किसी अम्र की नाफरमानी नहीं करते, हाँ तर्क औला हो सकता है। क्या किया इसने, अब पाफी, खुदा के उस अम्र की अंजाम दही से इनकार नहीं किया, कुछ देर की ताखीर की, उस ताखीर के असबाब भी बाद दीगर रिवायतों में जिक्र हुए, कुछ देर की ताखीर की, क्या हुआ, खुदा को अपने मुकर्रब फरिश्तों से तर्क औला भी मंजूर नहीं है, क्या हुआ, फकुसरा जनाहु, पर टूट गए, उस जजीरे पर डाल दिया गया, काना याबुदुल्लाह फी तिलकल जज़ीरते लिसित्त मिअत आम,
उस जजीरे पर ये मुकर्रब फरिश्ता 600 सालों से 600 बरसों से अल्लाह की इबादत कर रहा था, अपने तरके औला पर बख्शिश मांग रहा था, नहीं मिल रही थी। क्या हुआ? जिब्राइल से पूछा है, जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? जिब्राइल ने जवाब दिया, इन्नल्लाह कद अनअमा अला नबीही बिनअमतिन, खुदा ने अपने नबी को नवासे की नेमत से नवाजा है। فَبُعِثْتُ لِكَيْأُهَنِّئَهُ مِنِّي وَمِنَ اللَّهِ, और मुझे भेजा है ताकि मैं उस नबी को हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश करूं अल्लाह की जानिब से और अपनी जानिब से। फुतरुस के जिसके पर टूट चुके हैं, कहता है हमिलनी माहू लअल्ला मुहम्मदन यदउली, ए जिब्राइल अपने साथ ले चलो इस खुशी के मौके पर, शायद मोहम्मद मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल ने उसे साथ लिया, रसूल की बारगाह में पहुंचे, रसूल को सारा मंजर बताया। रसूल ने जिब्राइल से फरमाया कि अदखिलहू, ए जिब्राइल जरा फितरुस को इस हुजरे में दाखिल कर दो। फितरुस नामी फरिश्ता उस हुजरे में दाखिल हुआ जहां रसूल तशरीफ फरमा है, जहां जिब्राइल रसूल को हुसैन की विलादत की मुबारकबाद दे रहा है। फितरुस ने रसूल को अपना पूरा माजरा बताया और दुआ के लिए कहा, रसूल रहमतुल्लिल आलमीन चाहते तो दुआ कर लेते, रिवायत के जुमले हैं। रसूल ने फितरुस को मुखातिब करके कहा, तमस्सह बिहाज़ल मौलूद, ए फितरुस गहवारे में जो कमसिन बच्चा आराम कर रहा है उसके बदन से अपने बदन को मस कर लो। बाज रिवायात में कहा, तमस्सह बिमहद हाज़ल मौलूद, इस बच्चे के झूले से अपने आप को मस कर लो। फितरुस ने अपने आप को मस किया, बालों पर वापस मिल गए, आसमानों पर बुलंद हुआ और एक जुमला कहने लगा, मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, मुझ जैसा बानसीब बाशरफ कौन होगा, मैं तो हुसैन का आजाद करदा हूं। फिर एक मरतबा रसूल को मुखातिब किया फितरुस ने और एक जुमला कहा, और ये जुमला इस राज पर से पर्दा उठाता है कि क्यों तमाम अइम्मा की ज्यारतों के बरअक्स हुसैन की ज्यारत का ये खासा है कि तुम नहीं जा सकते, अपने घर से सलाम करो, दिल से मौला को याद करो, खुदा वही मकाम वही अज्र देता है जो जरिए अकदस के सामने सलाम करने वाले को देता है। इस एक जुमले में इस राज का जवाब है। फितरुस ने जब शिफा हासिल कर ली झूले हुसैन से, रसूल को मुखातिब करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह अमा इन उम्मत का सतख्चुलुहू, ए रसूल अनकरीब आपकी उम्मत इस हुसैन को बेदर्दी से कत्ल करेगी। वअलैया मुकाफातुहू, मुझे इसके झूले से शिफा मिली है, हुसैन का एहसान मेरी गर्दन पर है और मैं उसका बदला चुकाऊंगा। कैसे? बेअल्ला यजूरुहु अहदुन इल्ला अबलगतुहु, कोई शख्स भी दुनिया के किसी किनारे से हुसैन की ज्यारत करेगा, हुसैन को सलाम करेगा, मैं फितरुस के जैसे पर ही हुसैन के झूले के सदके में मिले हैं, मैं दूर दराज के हुसैन के जायरीन का सलाम हुसैन की बारगाह तक पहुंचाऊंगा। तवज्जो कर रहे हैं, हुसैन का गहवारे में फरिश्ते पर किया गया वो एहसान है कि जिसका फायदा ता कयामत चाहने वाले उठाएंगे, जब दिल चाहेगा हुसैन की ज्यारत करेंगे और जरी के सामने खड़े होकर सलाम करने वाला अजर पाएंगे। वासिता और वसीला ये फितरुस बन रहा है। तवज्जो कर रहे हैं, ज्यारते हुसैन वो खैर है, कल अर्ज किया था ना कि खुदा इससे हमें महरूम नहीं करना चाहता। आले मोहम्मद अपने चाहने वालों को ज्यादा से ज्यादा इस खैर को हासिल करने की ताकीद कर रहे हैं। यहां जब लफ्ज़ खैर पर और ज्यारत हुसैन के खैर होने पर बात चल रही है, तो इससे पहले के बात को अगली मंजिल पर ले जाऊं,
और इमाम हुसैन की मखसूस अय्याम की ज़ियारात और रिवायात में वारिद होने वाले मतालिब को अर्ज़ करूँ, इस लफ्ज़ खैर और हुसैन और ज़ियारत हुसैन से इसके ताल्लुक़ को एक रिवायत की रोशनी में पेश करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह के तवज्जुहात मेरे साथ हैं। रावी छठे सरकार की खिदमत में आता है और एक अजीब सवाल करता है। जब कोई शख्स हमारा कोई काम कर दे तो इस्लामी अदब है कि उसे शुक्रिया किया जाए। इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, जब कोई तुम्हें तोहफा दे, कोई नेकी करे, कोई तुम्हारे काम आए, तो कुरानी अदब पहला तो यह है कि उससे बेहतर अंदाज में उसके साथ नेकी करो, उसे तोहफा दो, या कम अज कम उसे ही पलटा दो, जितना उसने किया उतना तो करो। कोई कोई नेक अमल करे, हमारे साथ कोई अच्छाई करे, इस्लामी अखलाक है कि उसका शुक्रिया कहें। अब ये भी एक मुख्तलिफ मौजू है, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, लोगों की आदत नहीं है किसी को शुक्रिया कहने की। कोई शख्स अब आपके काम आ जाए, साहब शुक्रिया कहेंगे तो गले पड़ जाएगा, शुक्रिया कहेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, अरे उसकी तो जिम्मेदारी थी हमारे काम आना। ये एटीट्यूड, ये तरीक़ेकार, ये अंदाज बहुत सराहियत करता जा रहा है कि शुक्रिया करने को अपनी कमतरी समझा जा रहा है, जबकि इमाम क्या फरमाते हैं, मल लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जो मखलूक को शुक्रिया अदा नहीं करता, जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं होता, वो खालिक का भी नाशुक्रा होता है। आदत बनाइए अपनी। बहरहाल जब हमें किसी को शुक्रिया कहना हो, दुआ देते हैं, क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैर, खुदा तुम्हें खैर की जजा दे। लफ्ज़ खैर ज़ियारत हुसैन, हुसैन और खैर का ताल्लुक, तवज्जो करें, हम क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन, खुदा तुम्हें खैर और अच्छाई की जजा दे। रावी छठे इमाम से सवाल करता है, मौला जब हम एक दूसरे को मुखातब करके कहते हैं जज़ाकल्लाहु खैर, तो इसका मतलब क्या है? क्या रावी को, कि जो खुद अरब था, लफ्ज़ खैर का मतलब नहीं पता था? क्या उसे नहीं मालूम था कि खैर अच्छाई और बेहतरी को कहते हैं? नहीं, मालूम था, बामारिफत सहाबी है, जानता है कि छठे इमाम के दर से कुछ मजीद इजाफा होगा। आले मोहम्मद के दर पे आने का अदब यह है, आले मोहम्मद की तालीमात को सीखने का अदब यह है कि इंसान कभी यह ना समझे कि मुझे मालूम है, हमेशा उनकी बारगाह में उनकी रिवायात उनके उलूम के मुकाबले में अपने आप को जाहिल समझे। ऐन मुमकिन है मुझे आधी बात पता हो, ऐन मुमकिन है कि इसका कोई इससे बेहतर जवाब हो। अगर हम होते उस रावी की जगह, उस बाबसीरत रावी की जगह, तो क्या कभी पूछने का तकल्लुफ करते, मौला जज़ाकल्लाहु खैरन का क्या मतलब है? नहीं साहब, हमें तो सब पता है, हम बताएंगे दूसरों को, हम क्यों किसी से पूछें, जज़ाकल्लाहु खैरन का मतलब क्यों पूछें? नहीं, रावी बामारिफत है, अदब जानता है इमामत का, जानता है कि इमामत के दर से कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई मारिफत की बात मिलेगी, ईमान में कुछ इजाफा होगा। इतनी बुनियादी सी बात भी इमाम से आकर पूछ रहा है, मौला जज़ाकल्लाहु खैरन का क्या मतलब है? और इसकी तवक्को कैद मुताबिक इमाम ने इसे एक अजीम और हसीन जवाब दिया। क्या फरमाया? फरमाया जब हम एक दूसरे को जज़ाकल्लाहु खैरन कहते हैं तो मुराद क्या होती है कि इन्नल खैर नहरुन फिल जन्ना, जन्नत में एक नहर है कि जिसका नाम खैर है। जब तुम किसी मोमिन को जज़ाकल्लाहु खैर कहते हो तो तुम मोमिन को दुआ दे रहे होते हो कि खुदा तुम्हें जन्नत की उस नहर से कुछ नसीब करे। मौला उस नहर की कोई खसूसियत है? खैर और हुसैन का ताल्लुक पेश कर रहा हूं इस रिवायत के जरिए, तवज्जो कीजिएगा। क्या खैर की नहर की कोई खासियत है? फरमाया ये कोई मामूली नहर नहीं है, मखरजुहू मिनल कौसर, ये नहर नहरे कौसर से जुड़ी हुई है, ये नहर खैर नहरे कौसर से जुड़ी हुई है। मौला कौसर कहाँ से जुड़ी हुई है?
फरमाया वह मखरजुल कौसर मिन साकिल अर्श, नहर कौसर के जिससे नहर खैर निकल रही है वो नहर कौसर अर्श खुदा के साए से निकल रही है। तवज्जो नहीं किया आपने, तुम जज़ाकल्लाहु खैर कहो, खैर जन्नत की नहर है कि जिसकी जड़, जिसकी असल, जिसका मंबा व मजदर नहर कौसर है। कौसर वो कि जिसका मजदर व मंबा साके अर्श अर्श खुदा का साया है। तवज्जो कर रहे हैं, फरमाते ये जो नहर खैर है फीहा मनाज़िलुल औसिया वशियातहिम, अंबिया के औसिया आइम्मा ताहिरीन की मंजिलें और उनके शियों की मंजिलें इस नहर खैर पर होंगी। अल्लाह अकबर। मेरा आपसे सवाल है, साकिल अर्श के जहां से कौसर फूट रहा है अर्श खुदा के दाएं जानिब अर्श खुदा के साए में क्या लिखा है? रसूल ने बताया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग और नजात की कश्ती है। यह साकिल अर्श, हौज़े कौसर से क्या मुराद है? कौसर किसे कहा गया? कौसर शहजादी कौनैन को कहा गया। एक नतीजा कहने दीजिए, एक तावील पेश करने दीजिए कि अब अगर तुम्हें खैर को हासिल करना है, चाहे दुनिया का खैर हो चाहे जन्नत की नहरे खैर हो, तो हुसैन से उस खैर का आगाज होगा, और अगर हुसैन के खैर तक पहुंचना चाहो तो फातिमा जहरा को वसीला बनाना पड़ेगा। तवज्जो है, यह खैर और हुसैन का गहरा ताल्लुक। कल रिवायत अर्ज की थी कि इमाम ने ज्यारत हुसैन को खैर कहा, आज उस रिवायत को मुकम्मल करूंगा। कल कहां तक बात हुई थी? रावी था, अपनी दानिश में सवाल लेकर आया था, मौला क्या ज्यारत हुसैन में कुछ ऐसे औकात हैं जो बाज दीगर वक्तों से ज्यादा बाफजीलत हों? क्या फरमाया था? इन ज़ियारतहु खैरुन मौज़ू, हुसैन की ज़ियारत वो खैर है कि जिसे लोगों ने जिसकी हकीकत को जिसके मेयार को जिसके रुतबे को नहीं समझा, लोगों ने बड़ा कमतर समझा इसे। फिर क्या फरमाया था? फमन इस्तकसर मिन्हा इस्तकसर मिनल खैर, जो जितनी ज़ियारत करेगा उतना खैर में हिस्सेदार बन जाएगा। इसके बाद मौला ने उस साइल का तशफ़ी बख्श जवाब भी दिया। यहां तक कल रिवायत पेश की थी, आज इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ज़ियारत हुसैन यूं तो ऐसा खैर है कि जब जिस लम्हे किया जाए कमाल है, जितना करोगे जितने वक्तों में करोगे उतना खैर में इजाफा हो जाएगा। लेकिन फिर मौला फरमाते हैं व तहर्रू बे औकातिकुम शरीफता व तहर्रू बे ज़ियारत हुसैन फी औकातिकुम शरीफा, यूं तो ज़ियारत हुसैन वो खैर है जिसे हर वक्त में अंजाम दिया जाना चाहिए, लेकिन जो शरीफ बाशरफ औकात होते हैं, जो बाशरफ वक्त होते हैं, दिन होते हैं, बाफजीलत अय्याम होते हैं, उन्हें सजाओ, उन्हें जीनत दो हुसैन की ज़ियारत से। क्यों? क्योंकि इन बाशरफ अय्याम में, बाफजीलत दिनों में, फजीलत वाले अय्याम में हर नेकी का सवाब दुगना होता है। तो जब सबसे बड़ी नेकी करोगे तो सवाब भी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मौला कोई खास वक्त है, कोई तरीका है, कोई सूरत है? फरमाते हैं फमन ज़ारल हुसैन सलास मिन सलास लयालिन फी शहर रमदान, जो शख्स, अब यहां से हम एक नए बाब में वारिद हो रहे हैं। अब तक की गुफ्तगू का खुलासा, ज़ियारत हुसैन वो खैर है कि जितना ज्यादा किया जाए वो उतना अच्छा है, उतना खैर में इजाफा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ औकात हैं, कुछ दिन हैं कि जहां खुसूसी ताकीद है कि जहां ज़ियारत का रुतबा, ज़ियारत पर आने वाले का कमाल, उसकी रूह की पाकीजगी, उसके दुनियावी सवाब में इजाफा हो जाता है उन अय्याम की फजीलत की वजह से। उन्हीं में से एक क्या है? मौला फरमाते हैं माह रमजान की तीन तारीखों में से किसी एक में जो शख्स ज्यारत करे, या तो पहली रमजान की शब, या पंद्रहवीं यानी निसफ रमजान की शब, या आखिरी रमजान की शब, जो इन तीन रातों में किसी एक रात हुसैन की ज्यारत करे, मौला कैफियत क्या हो इस कमाल, इस खैर को हासिल करने की? मौला ने चार शरायत बताई। खाशे अन,
مستقبلاً مستغفراً متوجہاً یا محتسباً. پہلی صفت یہ کہ خاشع ہو, یعنی دل سے اپنے آپ کو پستر اور آقا حسین کو برتر سمجھ رہا ہو, خشوع و خضوع ہو. یہ نہیں کہ دنیا کی فکروں میں غرق ہو کر ذریعہ حسین کی جانب چلتا چلا جا رہا ہو, نہیں, خاشع ہو, دل حسین کے سامنے جھک رہا ہو. مستقبلاً اپنی ساری توجہ حسین کی جانب کی ہوئی ہو. محتسباً خدائی رضا کی خاطر اس زیارت کو کر رہا ہو, قربتاً اللہ کر رہا ہو, دنیاوی لالچ یا شہرت حاصل کرنے یا دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے نہ کر رہا ہو. چوتھی شرط, مستغفراً اپنے گناہوں پر پشیمان بھی ہو اور سوچ رہا ہو کہ میں کہاں اتنا پست اور گنہگار اور کس عظیم آقا حسین کی بارگاہ میں خدا نے مجھے لا کھڑا کیا. اپنے گناہوں پر پشیمان ہو, مغفرت مانگ رہا ہو. ان چار شرطوں کے ساتھ جو زیارت کرے, معصوم امام فرماتے ہیں تساقطت ذنوبہ و خطایا, یہ زیارت کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے بدن سے اس کے گناہ اور اس کی خطائیں جھڑتی چلی جاتی ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ جو مبارک ایام ہیں, یوں تو ہر دن فضیل زیارت حسین افضل ہے, لیکن جو مبارک دن ہیں, جو با فضیلت دن ہیں, ان دنوں میں زیارت کی تاکید بڑھ جاتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ سال میں کتنے ایسے دن ہیں کہ جو با فضیلت ہیں, جہاں آقا کی زیارت کی تاکید بڑھ جاتی ہے. میں ماہ رجب سے بات کا آغاز کروں گا اور ماہ محرم اور سفر پر آ کر بات کو اختتام کروں گا. ایام اربعین ہیں, روزے اربعین کی زیارت کی فضیلت پر بات کا اختتام کروں گا. توجہ ہے؟ سب سے پہلی مناسبت زیارت امام حسین شب اول رجب. ذرا محسوس کیجئے گا, ماہ رجب ان مبارک مہینوں میں سے, ان بافضیلت مہینوں میں سے جنہیں رسول کا یا آل محمد کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس ماہ رجب کا آغاز خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک حسین, ایک مومن آقا حسین کی زیارت سے کرے, تاکہ اس خیر سے محروم نہ رہے, تاکہ ان مہینوں میں خدا کی معرفت کو حاصل کر سکے. کیا فرماتے ہیں معصوم؟ من زار الحسین فی اول رجب, جو شخص پہلی رجب کو حسین کی زیارت کرتا ہے, غفر اللہ له, البتہ خدا اسے بخش دیتا ہے, البتہ حتمن و یقیناً. امام معصوم, چھٹے امام, امام صادق, سچے امام کوئی بات کہہ رہے ہیں, ویسے بھی کہہ دیں تو کسی شک کی گنجائش نہیں, لیکن جہاں امام تاکید کے لیے قطعاً اور حتمن جیسے لفظ کو استعمال کریں, البتہ کے لفظ کو استعمال کریں, ذرا تاکید سوچئے. پھر اسی طرح پندرہویں رجب کی شب کو, آخر رجب کی شب کو کی زیارت کی تاکید آئی. راوی ابو بصیر آٹھویں سرکار سے پوچھتا ہے, مولا ای الاوقات افضل لزیارت ابی عبداللہ, آقا حسین کی زیارت کی تو وہ خیر ہے, جتنا کرو اتنا اچھا, میں بار بار تاکید کر رہا ہوں, جتنا کرو اتنا اچھا, مگر مولا کون سے وقت ایسے ہیں, کون سے دن ایسے ہیں جو سب سے زیادہ با فضیلت ہیں زیارت امام حسین کے لیے؟ آٹھویں امام فرماتے ہیں تین راتیں, شب اول رجب, شب نیمہ رجب, شب نصف رجب اور شب نیمہ شعبان. اور یہیں سے ہم رجب کی مناسبت سے شعبان کی طرف منتقل ہوتے ہیں. پندرہویں شعبان, جسے لوگ شب برات کہتے ہیں, ہم شب ولادت صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کہتے ہیں.
ये रात कि जिसे हर मोमिन जाग कर मनाता है कि जो इबादतों की रात है, कि जो रियाजतों की रात है, कि जिस रात के आमाल हैं, कि खुसूसी तौर पर जिस रात के लिए मौलाए कायनात ने जनाब कुमैल को दुआए कुमैल की तालीम दी थी, शब नीमा शाबान, पंद्रहवीं शाबान की शब, इबादत करने की रात, बाफजीलत रात। खुदा इस रात में भी चाहता है कि मोमिन ज़ियारत हुसैन करे। मासूम का अजीब फरमान है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, शबे नीमाए शाबान हुसैन की ज़ियारत का शरफ। मासूम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युसाफिहु मिअतु अल्फिन व अरबऊन व अशरून अल्फ नबी, जो शख्स चाहे कि 1,24,000 अंबिया उससे मुसाफहा करें, शेक हैंड्स करें, क्या करें, फल यजुर हुसैन फिर निसफ मिन शाबान या लैलतन निसफ मिन शाबान, उसे चाहिए शब नीमा शाबान आकर हुसैन की ज्यारत पर जाए। ऐ मौला, क्या ताल्लुक है 1,24,000 अंबिया से मुसाफहे का ज्यारत आका हुसैन से? फरमाते हैं, फ़इन अरवाहन नबीयीन يستأذنون الله في زيارة الحسين في تلك الليلة, अम्बिया की रूहें शब नीमा शाबान अल्लाह से हुसैन की ज्यारत का इज़्न लेती हैं। बस जो शख्स उस रात वहां हो, गोया उस रात उसने 1,24,000 अम्बिया से मुसाफा कर लिया। फिर मासूम ताकीद के लिए फरमाते हैं, وَمِنْهُمْ خَمْسَةُ أُولُو الْعَزْمِ, इन 1,24,000 अंबिया में से 5 उलुल अज़्म भी हैं। मौला कौन है? फरमाया, नूह व इब्राहिम व मूसा व ईसा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह, 5 उलुल अज़्म नबी, नूह व इब्राहिम व मूसा व ईसा और हमारे नबी खत्मी मर्तबत। रावी ने सवाल किया, मौला इन्हें उलुल अज़्म क्यों कहा गया? फरमाते, उलिल अज़्म ने इसलिए कहा गया, लिअन्नहुम बुइसु फी शर्क़िल अर्ज़ व ग़र्बहा जिन्नहा व इंसहा, ये 5 वो नबी थे कि जिन्हें पूरी कायनात, पूरी जमीन, पूरी दुनिया पर बुउस किया गया, नबी बनाया गया, इंसानों पर भी, जिन्नात पर भी, जमीन के मशरक़ में भी, जमीन के मगरिब में भी। हर नबी अपनी कौम के लिए नबी था। उलुल अज़्म नबी वो कि जो मशरिक और मगरिब पूरी कुर्रे अर्ज के लिए, जिनों और इंसानों दोनों के लिए नबी बनाए गए। अब जरा गौर कीजिए, 1,24,000 अंबिया फातिमा के लाल की ज्यारत को आते हैं, 1,24,000 अंबिया की अरवाह हुसैन की ज्यारत का इज़्ज़त मांगती हैं खुदा से। वो अम्बिया के जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी अरवाह कहाँ है? मलकूत आला में है। हर किसी की, हर जात की ख्वाहिश ये होती है कि कमाल की तरफ जाए। मुझे नहीं मालूम कि कब्र हुसैन में कौन सा कमाल छुपा है। कब्र हुसैन की जमीन का नाम है कि मलकूत आला से अंबिया की अरवा इस कब्र की ज्यारत के लिए आने को बेताब हैं। तवज्जो कर रहे हैं, उलुल अज़्म नबी, 1,24,000 नबी हुसैन की ज्यारत को आते हैं। क्यों आते हैं? उलुल अज़्म नबी मशरक़ व मगरिब तमाम तरफों के लिए भेजे गए नबी हुसैन की ज्यारत को आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इकरार करना चाहते हैं, हुसैन आदम से लेकर खातम तक की मेहनतों को अगर किसी ने बचाया है तो आपकी जात है, अगर किसी ने हमारे पैगाम की हिफाजत की है, अगर किसी ने दीन की लाज रखी है तो वो आपकी जात है। हम आपकी मेहनत का इकरार करने के लिए आपकी कब्र पे हाजिर हैं, आपकी ज्यारत को आए हैं। ज़ियारत वारिसा में क्या पढ़ते हैं? या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, वारिस नूह नबीइल्लाह, वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, ये क्या है? क्यों हुसैन को तमाम अंबिया का वारिस कहा जा रहा है? क्योंकि तमाम अंबिया की मीरास का मुहाफिज हुसैन है। उस हुसैन की ज़ियारत पर जाओ नीमा शाबान, अंबिया से मुसाफहे का शरफ मिलेगा।
अल्लाह अकबर। बात माह रमजान तक आ जाती है। माह रमजान वो मुकर्रम महीना के जिसे शहरुल्लाह कहा जाता है, जिसे अल्लाह ने अपना महीना कहा है, जिसमें नबी ने फरमाया दुईतुम फीही फी ज़ियाफतिल्लाह, जिस महीने में तुम्हें अल्लाह की मेहमानी में बुलाया जा रहा है। रमजान कौन सा महीना कि जिसमें तुम अल्लाह के मेहमान हो। अल्लाह मेज़बान है, तुम मेहमान हो। मेज़बान की ख्वाहिश ये होती है कि अपने मेहमान के सामने बेहतरीन से बेहतरीन शय को पेश किया जाए, मेहमान को बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा दिया जाए। ऐ मोमिन, माह रमज़ान में तुम अल्लाह के मेहमान हो, जिस अमल की ताकीद खुदा इस मुबारक व मुकर्रम महीने में कर रहा है वो ज़ियारत हुसैन है। पहली शब रमजान जाओ हुसैन की ज़ियारत पे जाओ, शबाए कदर हुसैन की ज़ियारत पे जाओ, पंद्रहवीं रमजान की शब शब नीमा रमजान हुसैन की ज़ियारत पर जाओ, शब आखिर रमजान हुसैन की ज़ियारत पर जाओ। हर वो रात के जो जिक्र खुदा से मखसूस है कि जिसे फजीलत और शरफ मिला है, उस रात को हुसैन की बारगाह में गुजारो, यहाँ तक के शब कदर आका हुसैन की बारगाह में हाजिरी के लिए मासूम ये तक फरमा गए, मन ज़ार अल हुसैन लैलता 23 मिन शहर रमजान, जो शख्स 23वीं माह रमजान की शब आका हुसैन की ज्यारत करे, वही लैलतुल लती युर्जा अन तकूना लैलतुल कद्र, ये वो रात है कि जिसके शब कदर होने की बड़ी उम्मीद और रजा है। जो शख्स इस 23वीं रात, शब कदर कौन सी रात, गुनाहों को बख्शवाने की रात, अल्लाह की इबादत की रात, कौन सी इबादत करो, अल्लाह को कौन सी इबादत पसंद है, मासूम फरमा रहे हुसैन के रोजे पे रात गुजारो, हुसैन की ज्यारत को जाओ, क्या अजर मिलेगा। मासूम फरमाते हैं नादा मुनादिन मिन बुतनानिल अर्श, अर्श खुदा के साए से मुनादी निदा देता है, ए इस शब हुसैन की ज़ियारत पे आने वालों, गफर अल्लाहु लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिकुम वमा तअख्खर, खुदा ने इस शब हुसैन की ज़ियारत पे आने वालों के तमाम गुज़िश्ता और आइंदा गुनाहों को मुआफ कर दिया। ऐ खुदा, रमजान तेरा महीना, शब कदर तेरी इबादत की रात, माह शाबान तेरा महीना, तेरे नबी का महीना, हर मुबारक दिन हर बाफजीलत रात सबसे मुकर्रम और अफजल अमल हुसैन की ज़ियारत। जहाँ कोई बड़ी रात आई, मासूम बता रहे हैं हुसैन की ज़ियारत पर जाओ, जितनी रात की फजीलत बढ़ती जाए उतनी ज़ियारत हुसैन की फजीलत बढ़ती जाए। माजरा क्या है, ईद उल फित्र की रात, ईद उल अधा की रात, ये कौन सी रातें हैं कि जिनके बारे में आले मोहम्मद ने बताया है कि ये रातें इबादत में गुजारो। मौला क्या करें, फरमाया हुसैन की ज़ियारत पे जाओ, हुसैन की ज़ियारत करो, ईद पर भी हुसैन को याद करो, रमजान में भी हुसैन की ज़ियारत पर जाओ, माह शाबान और रजब जैसे मुबारक और इबादत वाले महीनों में भी हुसैन की ज़ियारत पर जाओ। हर वो दिन जो बाफजीलत है हुसैन की ज़ियारत पर जाओ, रोज़े अरफा ए खुदा तेरे हज में मैदान अरफा में गुजारने का दिन, उस दिन भी हुसैन की ज़ियारत करो। सवाब क्या है रोज़े अरफा हुसैन की ज़ियारत का, अक्ल दंग रह जाती है इस सवाब को, और यहाँ से कल की गुफ्तगू में बात आगे बढ़ाऊँगा। रोज़े अरफा तक हमारी बात आई है, रोज़े अरफा मखसूस ज़ियारत का सवाब, रोज़े आशूर हुसैन की ज़ियारत का अजर और फजीलत, रोज़े अरबईन आका हुसैन की ज़ियारत की ताकीद, और फिर एक अहम सवाल के जो हर मोमिन के जहन में आ सकता है, हर नौजवान के जहन में आ सकता है कि क्यों इतना हुसैन हुसैन किया जा रहा है, क्यों हर बाफजीलत दिन हुसैन की ज़ियारत, क्यों हर बाशरफ दिन हुसैन की ज़ियारत, हर दिन इबादत के दिन की इबादत मुकम्मल नहीं हो रही जब तक हुसैन का जिक्र शामिल ना हो जाए। साल में जितनी बाशरफ रातें और जितने दिन हैं, हर बाशरफ बाफजीलत दिन हुसैन की ज़ियारत की ताकीद है। माजरा क्या है, बात क्या है, क्या वजह है, क्या हिकमत है
इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू में इस राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। बस अजीजों, आज की हद तक बात को यहीं छोड़े जा रहा हूं। अय्याम अरबईनिया हैं, ज़ियारत हुसैन के दिन हैं, कई लोग सफ़र पे निकल चुके हैं, कई लोग रवाना होने वाले हैं, कई लोग दिल में तड़प रहे हैं, ज़ियारत हुसैन की आरजू कर रहे हैं। खुदा हमें बार बार दुनिया में आका की ज़ियारत नसीब फरमाए, आखिरत में मौला की शफाअत नसीब फरमाए। बस अजीज़ों, ये वो दिन हैं कि जो आले मोहम्मद पर बड़े सख्त थे। आपके दिल में भी ज़ियारत की तमन्ना है? हुसैन की खाहर जनाब ज़ैनब उलिया को भी अपने भाई की याद तड़पा रही थी। जब आले मोहम्मद का काफिला शाम में दाखिल होने लगा, शहर दमिश्क में दाखिल होने लगा, एक रिवायत मसाइब में, ताकि आंखें नम हो जाएं और गुनाहों की मगफिरत मांग सकें उन नम आंखों उन आंसुओं के साथ, चंद जुमले जहमतें तमाम। जब आले मोहम्मद का काफिला शाम में वारिद होने लगा, रावी सहल इब्ने साद साइदी सहाबी रसूल कहता है, मैं मदीने से निकला, बैतुल मुकद्दस जा रहा था, रास्ते में शहर दमिश्क के करीब से गुजर हुआ। मैंने देखा कि शहर दमिश्क सजा हुआ है, हसीन दीबाचे लटक रहे हैं, हसीन कालीन बिछे हुए हैं, हसीन पर्दे हर जगह आवेजा हैं। मैंने सोचा लअल्ला लअहलिश्शाम ईदन ला नअरिफु, शायद शाम वालों की कोई ऐसी ईद हो, कोई मुनासिबत हो, कोई खुशहाली हो जो हमें मालूम ना हो। मैंने देखा एक गिरोह बैठा है, मैंने उनसे सवाल किया, क्या कोई ऐसी ईद है जो हम मदीने वालों को नहीं पता? कहने लगे नहसिबु का गरीबा, हमें तो मुसाफिर मालूम होता है। कहा अना सहल इब्न साद साइदी साहिब रसूलल्लाह, मैं सहल इब्न साद हूँ, मैं रसूलल्लाह का सहाबी हूँ। कहा सहल, बागियों का गिरोह था, मदीने से ताल्लुक था, हाकिम के खिलाफ उनकी ज़ुबान में वलआयादु बिल्लाह बगावत की, हाकिम ने कत्ल कर दिया, उनके ख़ानदान को कैदी बनाकर लाया जा रहा है, ये उनकी आमद के जश्न की तैयारी है, ये हाकिम की जीत का जश्न है। सहल कहता है मैंने सुना मदीने से ताल्लुक था, मैं तड़प गया, मैं परेशान हुआ। मैंने पूछा काफिला कहाँ है? कहा दमिश्क के दरवाजे पर है। मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने क्या मंजर देखा कि आगे आगे एक लागर जवान है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, चलता जा रहा है, सर झुका हुआ है, नजरें जमीन पर टिकी हुई हैं, पीछे पीछे कुछ सवारियां हैं, कुछ बेकजावा ऊंट हैं, जिन पर कुछ बीबियां सवार हैं। कैफियत यह है कि बालों से चेहरों को छुपाया हुआ है। मैंने देखा उन बीबियों के पीछे कुछ नैजा बरदार आ रहे हैं और नैजे पे कुछ सर बुलंद किए हुए हैं। मुझसे रहा ना गया, मैं उस कैदी जवान के करीब पहुंचा, मैंने अर्ज की कि आप कौन हैं? मुझे बताया गया आपका ताल्लुक मदीने से है, आप अपना तारुफ कराइए, आप सूरत से तो बड़े बाशरफ मालूम होते हैं। कैदी ने जवाब दिया, ए सहल, तुम हमें नहीं जानते मगर हम जानते हैं, तुम हमारे नाना के सहाबी हो। अरे नाना का नाम सुनना था? सहल कहता है मेरा दिल लरज गया, मैंने पूछा आप कौन है, बताया मैं अली इब्न हुसैन हूँ। मैंने सवाल किया हुसैन का क्या हुआ? कहा वो जो नेजे पे सर बुलंद है वही हुसैन का सर है। सहल कहता है मैं सर को पीट के रह गया है, आका मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। ऐ सहल कुछ ना कर, फकत इतना कर, ये जो सरों को नेजों पर बुलंद किए हुए हैं इनसे जाकर ये गुजारिश कर
कि नैजे पे बुलंद सरों को आगे आगे ले आए ताकि जब शहर दमिश्क में दाखिल हो तो तमाशाइयों की निगाहें सरे शहदा पर पड़े, बीबियों के आले रसूल के खुले सर पर लोगों की निगाहें न पड़े। सहल कहता है मैं दौड़ कर गया, मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने शिमर से बात की, जानते हो क्या किया? अरे शिमर ने नैजा बरदारों को हुक्म दिया, अरे हर बीबी के प्यारे के सर को उस बीबी की सवारी के करीब कर दिया गया, अरे उम्मे फरवा की सवारी के साथ कासिम का सर बुलंद कर दिया गया। माँ अपने प्यारे लाल को देख के तड़प रही है, उम्मे लैला की सवारी के करीब अली अकबर का सर को बुलंद किया गया, अरे शहजादी ज़ैनब के करीब आका हुसैन के सर पर सर को नौके नैजा पर बुलंद कर दिया गया। अरे बीबियां शाम में दाखिल इस हालत में हुई कि लोगों की निगाहें बीबियों के सरों पर है और बीबियों की निगाहें अपने लख्ते जिगरों के सर पे है। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون بار لها تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے بار لها ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما بار لها حاضرین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما بار الہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بار الہ دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں عزاداران سید الشہداء آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین